Say no to plastic. Plastic is drastic. Life in plastic is not fantastic. ये सब तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने एक्चुअल में इस प्लास्टिक पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए कुछ किया है? मेजॉरिटी ऑफ अस आज भी अपने घर में रोज फल सब्जी या बाकी जरूरत के सामान प्लास्टिक बैग्स में ही लेके आते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डीप इनसाइड हम आज भी एक्चुअली इतने कन्विंस नहीं हैं कि ये प्लास्टिक हमारी माँ प्रकृति एंड ऑल लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ के लिए कितना नुकसानदायक है। तो आइए आज हम जानते हैं टॉप 7 रीजंस व्हाई वी शुड से अ स्ट्रिक्ट नो टू वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक स्टफ, दैट इज प्लास्टिक बैग्स। अक्सर यही सोचते हैं कि अरे मैं रोज बस एक दो प्लास्टिक बैग्स ही तो यूज कर रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमारी इसी सोच के कारण वर्ल्ड वाइड हर एक सेकंड में 1,60,000 प्लास्टिक बैग्स यूज होते हैं एंड इट एड्स अप टू द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यूजिंग 5 trillion बैग्स ईच ईयर। एक प्लास्टिक बैग को ऑन एन एवरेज सिर्फ 12 मिनट्स के लिए यूज करके फेंक दिया जाता है, बट वो एनवायरनमेंट में हजारों सालों तक जिंदा रहता है। प्लास्टिक बैग की मैन्युफैक्चरिंग कॉजेस डिप्लीशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। एक प्लास्टिक बैग को बनाने में जितना पेट्रोल यूज होता है उतने में वी कैन ड्राइव अ कार फॉर 11 मीटर्स, दैट इज 36 फीट। मैरीन लाइफ के लिए प्लास्टिक बैग्स एक साइलेंट किलर का काम करते हैं and over 1 million marine creatures, other birds and animals die because of plastic bags each year. In fact, about 34% of the dead leatherback sea turtles have ingested plastics. Hazaron saalon ke baad bhi ye plastic completely degrade nahi hota. Instead, they turn into microplastics jo ki toxins absorb karke environment ko pollute karte hi rehte hain. On an average, एक इंसान अपने lifetime में लगभग 40 pounds of plastic consume कर लेता है without even being aware of it. अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक there will be more plastic than fish on the ocean. ये plastic हमारी coastal communities, economies, tourism and most importantly biodiversity को irreparable damage cause कर रहा है. Yes, this scary situation is real. क्या हम इसे अवॉइड करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि बस एक इंसान हमारे एनवायरनमेंट को 22,000 प्लास्टिक बैग से बचा सकता है बाय स्विचिंग टू इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। दैट वन पर्सन कुड बी यू। राइज अबव द क्राउड एंड मेक अ डिफरेंस बाय टेकिंग जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट, कल्टिवेट योर अवेयरनेस। हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक नाम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। एवरी सिंगल पीस ऑफ प्लास्टिक जो हमने कभी ना कभी यूज किया है वो आज भी किसी ना किसी लैंडफिल या ओशन में प्रेजेंट है। जितना हम इस फैक्ट के बारे में अवेयर होंगे उतना ही हम सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स को यूज करते टाइम कॉशियस होंगे। सेकेंड, डू वट यू कैन। वी अंडरस्टैंड कि प्लास्टिक को कम्प्लीटली अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आजकल ये ऑलमोस्ट हर जगह यूज होते हैं, लेकिन हम उसकी यूजेज को कम जरूर कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि एटलीस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक को कम्प्लीटली अवॉइड करें। थर्ड, लुक फॉर सॉल्यूशंस। कुछ गुड क्वालिटी रीयूजेबल एंड सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स में इन्वेस्ट करें जो हमारी माँ प्रकृति और हमारी दोनों की सेहत के लिए अच्छे हों। ऐसा एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है अपनी डेली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए एक इको फ्रेंडली कॉटन बैग यूज करना इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। आप एक गुड क्वालिटी कपड़े का बैग कहीं से भी ले सकते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने एक बेस्ट क्वालिटी प्योर कॉटन बैग अपनी वेबसाइट पे भी प्रोवाइड किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सतोप्रधान कॉटन शॉपिंग बैग 100% कॉटन से बना है और इसकी स्टिचिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इन बैग्स का वाइड माउथ है विद अ ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी और ये 10 kg तक वेट आराम से कैरी कर सकते हैं। इनकी प्लेन वाइट लुक बहुत ही ग्रेसफुल एंड एलिगेंट लगती है और ये हर जेंडर के लिए और हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट
These comfy bags are foldable, durable, easily washable and very easy to carry anywhere. इनमें टू हैंडल्स हैं, वन लॉन्ग शोल्डर पे इजीली कैरी करने के लिए एंड एक शॉर्ट हैंड में कन्वीनियंटली उठाने के लिए। और इन बैग्स के अंदर एक सेपरेट पॉकेट भी है अपनी जरूरत का सामान अलग से रखने के लिए, जैसे कि वॉलेट, कीज, मोबाइल फोन। एक बार गुड क्वालिटी बैग लेने का फायदा ये है कि आप इसे बार बार काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, इसलिए इट इज अ मस्ट हैव फॉर ईच वन ऑफ अस फॉर आवर डेली ग्रोसरी शॉपिंग। हम जानते हैं कि कितने डिस्कशंस के बाद भी प्लास्टिक बैग्स को कम्प्लीटली बैन नहीं हो सके, लेकिन हम तो शॉपिंग करते वक्त इन्हें यूज करने से मना कर सकते हैं ना। जब भी कहीं बाहर मार्केट में जाएं, तो कॉटन बैग फोल्ड करके अपनी कार या एक्टिवा या पर्स में अपने साथ लेके जाएं। सिर्फ हमारी इस एक कोशिश से सोचिए कितने सारे प्लास्टिक बैग्स बच सकते हैं। हम में से अगर हर कोई अपनी हेल्थ और अपने एनवायरनमेंट की हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपनी जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे बदलाव भी लाएगा, तो इट इज गोइंग टू रियली मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और आपकी इस हेल्दी एंड इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को इजी बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको ट्रू नॉलेज पे बेस्ड बेस्ट सात्विक लाइफस्टाइल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना हमारी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है आपको इंस्पायर एंड सपोर्ट करने के लिए टू ऑलवेज डू गुड एंड चूज राइट। ओम शांति।